भाई लोग कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया सब। तो भाई जो पबजी में नेक्स्ट अपडेट आने वाला है 1.3.0, भाई काफ़ी बढ़िया अपडेट है। इसमें एक न्यू मैप आने वाला है जिसका नाम है काराकिन मैप। तो भाई काराकिन मैप को हम छोटा मीरामर बोल सकते हैं क्योंकि ये दिखने में सेम मीरामर जैसा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का काराकिन मैप होगा। इसमें जो घर है कुछ इस तरह के हो गए, जो इसका जो नेचर है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इसमें खास क्या आने वाला है। तो भाई काराकिन मैप में दो चीज़ें बहुत ही बढ़िया आने वाली है जो कि मैं इस वीडियो में को बताने वाला हूं। ठीक है भाई, यहां पे सबसे पहले हम काराकिन मैप में जो खास चीज आने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई यहां पे सबसे पहली जो खास चीज है वो आने वाली है स्टिकी बॉम्ब। तो भाई यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्टिकी बॉम्ब होंगे। भाई जैसे आप घरों में लूट करते हैं वैसे ही आपको ये स्टिकी बॉम्ब घरों में मिल जाएंगे। भाई यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि भाई काराकिन मैप में जो दूसरे फ्रैग ग्रेनेड है वो हटा दिए जाएंगे, इसमें आपको सिर्फ स्टिकी बॉम्ब मिलेंगे। तो भाई आपको दूसरे बॉम्ब नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ स्टिकी बॉम्ब मिलेंगे। ठीक है, तो भाई स्टिकी बॉम्ब के यूजेस क्या है, इसके फायदे क्या है वो भी आपको बताता हूं। ठीक है, तो भाई यहां पे जब आप स्टिकी बॉम्ब को किसी दीवार के तरफ फेंकेंगे तो भाई ये स्टिकी बॉम्ब दीवार के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने दीवार के ऊपर फेंका तो यहां पे ये चिपक गया है और उसके बाद यहां पे ये फट गया है। ठीक है, तो यहां पे स्टिकी बॉम्ब की दूसरी खासियत ये है कि भाई आप इस बॉम्ब से दीवार को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप हर किसी दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके सामने दीवार है, यहाँ पे ये ईंटों की दीवार बनी हुई है, सिर्फ इस दीवार को ही ये बॉम्ब तोड़ सकता है। ठीक है, तो भाई इस दीवार को ये बॉम्ब आसानी से तोड़ सकता है। आपको करना क्या है, इस दीवार के सामने आपको आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये स्टिकी बॉम्ब चिपका देना है। ठीक है, जब ये फटेगा तो यहाँ पे ये दीवार भी टूट जाएगी। ठीक है, तो भाई ये भी काफी बढ़िया चीज है। तो भाई यहाँ पे अब हम काराकिन मैप की दूसरी खासियत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काराकिन मैप में दूसरी खास चीज आने वाली है भाई रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपको घरों में ही मिलेगा। जैसे आप सिंपल लूट करते हैं वैसे आपको लूट में ये घरों में मिल जाएगा, कुछ इस तरह का ये रॉकेट लॉन्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हैं काफी दिखने में अच्छा है। तो भाई इसकी एक ही कमी है कि भाई इसमें सिर्फ एक ही एमो डलती है। भाई जब भी ये आपको रॉकेट लॉन्चर मिलेगा आप सिर्फ एक बार ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसकी ये छोटी सी कमी है। भाई इस रॉकेट लॉन्चर के फायदे क्या है, तो भाई फायदे जो स्टिकी बॉम्ब के हैं वही इसके फायदे हैं। ठीक है, तो भाई इस रॉकेट लॉन्चर से आप दीवार भी तोड़ सकते हैं। आप हर एक दीवार नहीं तोड़ सकते, जैसे आप स्टिकी बॉम्ब से ईंटों वाली दीवार तोड़ते थे वैसे ही आप इस रॉकेट लॉन्चर से ईंटों वाली दीवार तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपको कुछ इस तरह से इसको यूज करना है। भी आप किसी ईंटों वाली दीवार को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उसके सामने आ जाना है और उसके बाद उस पर आपको एम ले लेना है, उसके बाद आपको इसको फायर कर देना है। ठीक है, तो भाई उसके बाद आपके सामने जो ईंटों वाली दीवार होगी वो आसानी से टूट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके सामने फुल स्क्वाड है तो भाई इसका यूज करके आप पूरी स्क्वाड को नष्ट भी कर सकते हैं। तो भाई इसी तरह इस रॉकेट लॉन्चर के यही यूजेस हैं, इसके अलावा कोई और खास यूजेस नहीं है। तो भाई आपको ये स्टिकी बॉम्ब और ये आपको जो रॉकेट लॉन्चर है ये कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।